बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी ने यूनिवर्सली मेंस परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। इसमें कुल 476 अभ्यर्थी सफल हुए हैं और जल्द ही उन सफल अभ्यर्थियों के लिए इंटरव्यू भी शेड्यूल कर दिया जाएगा। जी हां, परीक्षा में पास अभ्यर्थियों का जल्द इंटरव्यू शेड्यूल किया जाएगा। 155 पोस्ट पर भर्ती होनी है। बता दें कि 32वीं ज्यूडिशियल सर्विस की प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन 4 जून 2023 को किया गया था। परीक्षा में कुल 17,819 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इनमें से 1,675 अभ्यर्थी सफल हुए थे। हालांकि 1,479 अभ्यर्थियों ने ही मेंस परीक्षा दिया था। मुख्य परीक्षा में अनारक्षित कोटे से 185, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 46, अनुसूचित जाति के 84, अनुसूचित जनजाति के 6, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 88 और पिछड़ा वर्ग के 74 उम्मीदवार सफल हुए थे। बिहार लोक सेवा आयोग के अधिकारी www.bpsc.bihar.government.in पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इंटरव्यू के आधार पर फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा। इंटरव्यू में सफल होने वाले 155 अभ्यर्थी बिहार उच्च न्यायालय में सिविल जज और न्यायिक अधिकारी बनेंगे। जनरल ईबीसी, बीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी कैटेगरी के लिए अलग अलग सीटें हैं। जनरल के लिए 61, ईबीसी के लिए 30, बीसी के लिए 18, ईडब्ल्यूएस के लिए 15, एससी के लिए 29, एसटी के लिए 2 सीट रिजर्व किए गए हैं। ऐसे में बिहार लोक सेवा आयोग ने जुडिशली मेन्स परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। 400 से ज़्यादा अभ्यर्थी सफल हुए हैं। अब उनके इंटरव्यू लिए जाएंगे। कुल 155 पोस्ट हैं। ऐसे में सभी कैटेगरी के लिए जो सीट है वो रिजर्व की गई है। अब जल्द ही इंटरव्यू जो है वो भी शेड्यूल किया जाएगा। जी हाँ, बिहार लोक सेवा आयोग ने जुडिशली मेंस परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। ऐसे में जितने भी पास अभ्यर्थी हैं उनको अब इंटरव्यू का इंतजार है। तो ऐसे में उन सभी पास अभ्यर्थियों को बता दें कि जल्द से जल्द इंटरव्यू शेड्यूल किया जाएगा। इंतजार करें, इंटरव्यू जल्द ही होगा, जिसमें कुछ लोगों के जो सीट है वो रिजर्व किए गए हैं, यानी वो रिजर्व हैं। ऐसे में इंटरव्यू के वक्त में आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है वो रखें, क्योंकि अगर हो सके तो वो भी काम आ सकते हैं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC24 पर। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।